नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट क्लास में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देख लिया था एंड इसके एग्जांपल्स देख लिए थे। नाउ वी विल मूव अहेड विद एक्सरसाइज 7.3 रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। सो एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो वर्टिसेस दिया गया है 2, 3 एंड -1, 0, 2, -4 एंड वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो टेक वर्टिसेस एज ए बी सी एज 1, 2, 3। सो 2, 3 -1, 0 एंड 2, -4। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ 1, 2, 3, 2, 3, 1 प्लस 3, 1, 2। सो x3 y1 -y2। तो इस तरीके से दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिस इज इक्वल्स टू हाफ, आउटसाइड में x लें, इनसाइड में y लें, तो x1 दैट इज 2, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 2, -3, फिर 2, 3, 1, तो प्लस 2, दैट इज -1, 3, 1, 3, 1, तो दैट इज -3, आफ्टर दैट 3, 1, 2, तो 3, 1, 2, ये ले लीजिए। सो इट इज हाफ, और 2 में प्लस 4 का मल्टीप्लाई करो तो दैट इज 8। इसी तरीके से -1 में -7 का मल्टीप्लाई करो तो प्लस 7, और 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस 6। अगर हम 15 में 6 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 21। सो इस तरीके से जो भी एरिया आएगा 10.5 स्क्वायर मीटर। अगर यूनिट्स है तो यूनिट लिखे, वरना स्क्वायर यूनिट्स। सो इट इज द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। नेक्स्ट इज टू फाइंड सेकेंड पार्ट ऑफ इट। इसके दो पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। सो सेकेंड पार्ट में भी ऐसा ही पूछा गया है। द वर्टिसेस आर ए बी सी, उनको आप ए बी सी ले लें। सो दीज आर -5, -1, 3, -5, and 5, 2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ 1, 2, 3 प्लस 2, 3, 1 प्लस 3, 1, 2। सो ये चीज हमने ले ली, दैट इज इक्वल्स टू हाफ 1। 1 क्या है, -5, 1, 2, 3। सो -5, -2, 2, 2 क्या है, 3, y2, -y3, तो 2 माइनस, ये तो हमारे पास 2 हो गया। अब y3, -y1, तो y3 दैट इज 2, -y1 तो -1, ये हो गया। सो 2, 2 हो गया, 3,
एंड 1, ये दोनों लिख दिया। इसके बाद x3 5 है, सो 5 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 ये ले लें, हाफ अंदर है माइनस 7, बाहर है माइनस 5, तो माइनस 7 इंटू माइनस 5 कितना हुआ 35, 3 है और अंदर भी 3 ही है, तो 3 इंटू 3 क्या हुआ 9, यहाँ 5 है, जबकि माइनस 1 प्लस 6, माइनस 1 प्लस 6 क्या होता है, तो 5 लिखिए और माइनस 1 प्लस 6 को क्या कहेंगे 5, सो हाफ 35 प्लस 9 कितना हो जाएगा 44 प्लस 25, सो इट गिव्स अस 69, सो द रिजल्ट इज, नाउ यहां माइनस 1 प्लस 5 है तो ये 4 हो जाएगा, इसको 4 लिखें, तो ये चीज हो जाएगी 20, ये 20 हो जाएगी, सो दिस विल बी हाफ इंटू 64 एंड दिस विल बी 32 स्क्वायर यूनिट्स। सेकेंड क्वेश्चन में भी यही चीज पूछी गई है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियरिटी पूछी गई है, पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड के, अगर कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो एरिया जीरो होता है, तो फर्स्ट केस में देखिए 7 माइनस 2 5 1 एंड 3 के, इनको 1 2 और 3 ले लें ऐसे पॉइंट्स, सो अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल इट इज इक्वल्स टू 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 2, ये तो हमने लिख लिया, बाकी यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह जीरो रखिए और नीचे लिख दीजिएगा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, हाफ 1 तो 1 का 7 लें, 2 3 सो 1 माइनस के 2 5 और 3 1 तो के माइनस माइनस 2, आफ्टर दैट एक्स 3 सो 3 1 माइनस 2 सो 1 है माइनस 2 माइनस 1, ये दिस इज इक्वल्स टू 0 है तो 2 इधर चला जाएगा, वो भी चला ही जाएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू, और यहां कहीं लिख दें कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन क्यों 0 रखा, को लीनियरिटी उसके हिसाब से जो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं उसका एरिया 0 होता है, इसलिए मैंने 0 रखा, 0 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया वो भी 0, तो अंदर क्या बचा 7 1 माइनस के, ये 5 के प्लस 2 और यहाँ पर 3 इंटू माइनस 3 दैट विल बिकम एज माइनस 9, सो 0 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 माइनस 9, सो 10 प्लस 7 17 हुआ और 17 में से 9 चला जाएगा तो 8 बचेगा, सो 0 इज इक्वल्स टू, और इन दोनों को भी कंप्यूट करो तो माइनस 2 के, माइनस 2 के और प्लस 8, के को इधर ले आइए तो 2 के इज इक्वल्स टू 8, तो के क्या हो जाएगा 4, तो इस क्वेश्चन में के का सलूशन 4 आया है, यही आंसर है। ऐसा ही हमारा सेकंड पार्ट भी है जिसमें पॉइंट्स कोलिनियर हैं और के की वैल्यू पता करनी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 8 1
के माइनस फोर एंड टू माइनस फाइव, ये पॉइंट्स दिए हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, एक दो तीन, दो तीन एक, फिर तीन एक दो, ऐसा दैट इज, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक दो तीन, फिर दो तीन एक, फिर तीन एक दो, उसी ऑर्डर में आ रहा है, एक दो तीन, फिर एक को नीचे ले आओ तो दो तीन एक, फिर तीन, फिर उसके बाद दो को नीचे ले आओ तो तीन एक दो, तो एक दो तीन। वरना आप सर्कल में भी, आपको बताया है कि सर्कल में अगर आपको एक दो तीन है तो एक से पहले तीन तक चलो, फिर दो से लेकर एक तक चलो, फिर इसके बाद तीन से लेकर दो तक चलो, तीन तरीके से। तो पहले एक से तीन तक चले, फिर दो से शुरू करो, फिर दो से चलोगे तो दो तीन एक हो जाएगा, फिर तीन से शुरू करो तो तीन एक दो, इसी तरह से चलना, एक दो तीन एक, तीन एक दो, एक एक करके मूव करते जाओ, पहले इसको स्टार्टिंग पॉइंट लो, फिर इसको स्टार्टिंग पॉइंट, फिर इसको, हो जाएगा। अब जरा देखें, तो ये जीरो ले लें, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, और यहां पर एक दो तीन, इसे वन मान लें, इसे टू मान लें, इसे थ्री मान लें, तो एक्स वन है तो एट टू थ्री, माइनस फोर माइनस माइनस फाइव, फिर एक्स टू तो के, और y3 थ्री माइनस वाई वन, सो दिस इज y3 थ्री माइनस वाई वन, और फिर x3 थ्री, थ्री वाले का ले लें टू, फिर y1 वन माइनस वाई टू, तो वन माइनस माइनस फोर, ये ले लिया, टू तो इधर चला गया तो जीरो हो गया, और यहाँ लिख दें कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, अगर थ्री पॉइंट्स एक लाइन पर होंगे तो उनका तो एरिया जीरो होगा ना, हम इसीलिए तो एरिया जीरो रख रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो यही कंडीशन है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनका एरिया, ट्रायंगल का एरिया जीरो होगा। अब देखिए एट इज इक्वल टू टू, तो यहाँ जीरो चला गया, एट इंटू अंदर क्या है, माइनस फोर प्लस फाइव, तो माइनस फोर प्लस फाइव लिख दो, फिर के इंटू माइनस सिक्स, यहाँ पर टू, वन प्लस फोर, वन प्लस फोर कितना होता है फाइव, सो जीरो इज इक्वल्स टू एट और अंदर वन, और साथ में माइनस सिक्स के, और यहाँ पर क्या आ गया टेन, तो जीरो इज इक्वल्स टू एट माइनस सिक्स के प्लस टेन, तो 10 है तो 18 हो जाएगा, सो माइनस सिक्स के को इधर लिख लो, तो 6k और इधर 18, तो k क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 3 हो जाएगी, यही आंसर है, सो k इज इक्वल टू 3 इज आंसर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, जिसके कि वर्टिसेस दिए गए हैं, तो ऐसा कुछ ट्रायंगल दिया गया है, तो उसके वर्टिसेस क्या हैं, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन एंड टू वन एंड जीरो थ्री, तो इसको आप ए बी सी मान लें, ए बी सी, और इनका मिड पॉइंट डी ले लो, ई और एफ, कह रहा है इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो इसका एरिया क्या होगा, ऐसा कह रहा है, और फिर इस पूरे वाले का भी एरिया निकालो और उन दोनों का रेशो निकालो, कि इसका और पूरे, हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स में जो
जो इसका और इसका एरिया थ्योरम में देख चुके हैं रेशो 1/4 होता है, तो इस चीज़ की जांच अब हम फिर करेंगे कि क्या 1/4 आता भी है कि नहीं। सो पिछले चैप्टर में ये बात हमने देखी थी। सो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसका एरिया पूछा गया है और पूरे एरिया के साथ इसका रेशो पूछा गया है। सबसे पहले हमें डी ई एफ के कोऑर्डिनेट चाहिए। सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ऑफ डी, ये मिड पॉइंट थ्योरम से आएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ। इट इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, ये चीज है, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब देख लीजिए, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ले लो, तो जीरो प्लस टू बाई टू और माइनस वन प्लस वन बाई टू, सो दिस इज टू बाई टू और जीरो बाई टू, तो वन जीरो ये हो गया, यहाँ लिख लें वन जीरो। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ डी ऑफ डी, आप कोऑर्डिनेट ऑफ डी सीधा निकाल लें और आगे ब्रैकेट में लिख दें मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ ई निकालें, डी तो आ चुका है, ई निकालें। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ई, टू प्लस जीरो बाई टू और वन प्लस थ्री बाई टू, सो इट इज इक्वल्स टू टू बाई टू एंड फोर बाई टू इज इक्वल्स टू वन कॉमा टू, ये हो गया। दिस इज बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट है। सो ये चीज हो गई, मतलब आपने जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है तो उसी तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम ना लिख के लिखे मिड पॉइंट फॉर्मूला, ऊपर भी करेक्ट करो, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लिखा जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम तो अलग होता है, मिड पॉइंट फार्मूला लिखो, क्योंकि मिड पॉइंट का जैसे सेक्शन फार्मूला है तो वैसे ही मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ भी लगा दिया। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ एफ लिखिए, ये तो वन टू हो गया, सो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, वो भी किसी न किसी का मिड पॉइंट है, तो जीरो प्लस जीरो बाई टू और थ्री, ये थ्री है और ये है माइनस वन, सो थ्री प्लस माइनस वन बाई टू, सो मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा और ये टू बाई टू, सो टू बाई टू का मतलब वन, ये हो गया। तो यहाँ पर आप लिख लें जीरो और वन, ये सारी चीज़ें आपने लिख ली। अब जबकि ये बात हो चुकी है कि हमें सबके कोऑर्डिनेट पता चल चुके हैं, तो आपको दो एरिया निकालना है, पहले तो इसका भी पूछा गया है, फिर बड़े का भी निकालो, फिर उन दोनों का रेशो निकालो। नाउ इस फिगर को एक बार मैं फिर से बना देता हूँ, जिसमें कि ये जीरो माइनस वन है, ये जीरो वन है और ये जीरो थ्री है, ये वन टू है, ये टू वन है और वन जीरो है, बाकी ये डी ई एफ है और ये ए बी सी हैं। तो अब हमें डी ई एफ का एरिया निकाल लेना चाहिए। सो एरिया डी ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ वन टू थ्री प्लस टू थ्री वन और प्लस थ्री वन टू, ये हो गया। इसी में सारी वैल्यू डाल दीजिए, हाफ इसे वन मान लें, वन
टू थ्री। सो वन मान लेने पर किसी को भी वन टू थ्री माना जा सकता है। वन ले लें, सो वन टू थ्री, वाई वाई लें अंदर, सो टू माइनस वन प्लस एक्स टू, टू ये है तो वन, ये टू हो गया, और थ्री माइनस वन तो थ्री माइनस वन, वन माइनस जीरो, और साथ ही साथ एक्स थ्री, एक्स थ्री ये है तो ज़ीरो, और वन माइनस टू तो वन है ज़ीरो और टू है टू, ये वैल्यू आ गई। हाफ इसके अंदर टू माइनस वन तो वन हुआ, और वन इंटू वन वन हुआ, और वन इंटू वन ये भी वन हुआ, और ये तो ज़ीरो है तो ज़ीरो हुआ। तो इस तरीके से अंदर टू आ गया तो टू बाई टू, टू बाई टू का वन स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया डी ई एफ क्या आ गया, एरिया डी ई एफ कम्स एज वन स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें एक चीज़ और पता कर लेनी चाहिए, एरिया ए बी सी। सो एरिया ए बी सी इज हाफ वन टू थ्री प्लस टू थ्री वन प्लस थ्री वन टू, ये चीज हमने ले ली। अब देख लें, हाफ वन, इसे आप वन मान लें, इसे टू और इसे थ्री, वैसे ए बी सी भी उसी ऑर्डर में है, तो वन जीरो टू थ्री, तो वन माइनस थ्री, अंदर वाई वाई लें प्लस एक्स टू, तो एक्स टू टू है तो टू थ्री वन, थ्री वन तो थ्री माइनस माइनस वन, और x3 जीरो है और वन माइनस टू, इस तरह कैसे ले लिया, यहां पर हाफ है, और ये देख लें कि ये जीरो है तो जीरो ही आ जाएगा, और ये भी जीरो है तो जीरो ही आ जाएगा। अब ये टू है और अंदर थ्री प्लस वन तो फोर है, टू इंटू फोर, क्योंकि थ्री प्लस वन फोर होता है, और प्लस जीरो तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू एट, तो ये फोर स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका एरिया बड़े वाले का फोर स्क्वायर यूनिट्स है और अंदर वाले का एक है। पहले भी हमने देख लिया था सिमिलर ट्रायंगल के लास्ट इसमें एरिया वाली एक्सरसाइज में कि इसका पूरे के साथ वन बाई फोर का रेशो होता है, जो आ भी गया है वन बाई फोर का रेशो। तो अब इसमें पूछ रहा है फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ फुल ट्राइंगल। सो एरिया डी ई एफ, तो डी ई एफ के साथ, और एरिया ए बी सी, इट इज इक्वल टू वन स्क्वायर यूनिट्स अपॉन फोर स्क्वायर यूनिट्स, तो इट इज इक्वल टू वन बाई फोर, यही आंसर है इसका। इसका रेशो वन इस टू फोर का रेशो हो गया है। नाउ अब देखें फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, कोई क्वाड्रिलेटरल बना लें और उसमें वर्टिसेस इस तरीके से ली जाएंगी, माइनस फोर माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस फाइव, ऑर्डर में लेना है, एंड थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू एंड टू थ्री। तो ए बी सी डी ऐसे ले, और इसी में दो ट्रायंगल बना लें, पॉलीगन का एरिया होता है तो दो ट्रायंगल बना दिए जाते हैं, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो एरिया ए बी डी इसे वन ले लें, वन टू थ्री, टू थ्री इसे ही रहने दें, और जब अगला वाला निकालेंगे तो इसे वन ले लेंगे, तो वन टू थ्री और वन टू थ्री से निकालेंगे। एरिया ए बी डी
ADC, हाफ 1 2 3, 2 3 1 प्लस 3 1 2, ऐसा है। तो इन्हीं पे आप वैल्यू रख दें। हाफ 1 क्या है, ये है 1, तो 2 2 3, सो 2 है माइनस 2, 2 ये है माइनस 2, और 3 क्या है, वो भी माइनस 2 है, तो y2 माइनस y3 कर दिया, y2 माइनस y3। अब देखिए x2 माइनस 4, तो 2 3 1, 3 क्या है माइनस 2, तो माइनस 2, और 1 क्या है 3, तो माइनस 3। इसी तरीके से x3 को 3 लें, और y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, प्लेसमेंट पे सावधानी रखें तो बाकी ठीक हो जाएगा। हम लोग प्लेसिंग में गड़बड़ी कर देते हैं माइनस प्लस की, तो इस लाइन, ये सबसे केयरफुल रहने वाली लाइन है, इसमें गलत नहीं होगा तो गलत नहीं होगा। तो इतना करने के बाद अब यहाँ पर हाफ 2, माइनस 2 प्लस 2 क्या होता है, 0, माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4, और अंदर माइनस 5, और अदर यहाँ देखिए 3, और 3 प्लस 2 क्या होता है 5, तो हाफ ये तो चला गया, इट इज 20, और यहाँ प्लस 15, सो इट इज 35/2, जो कि 17.5 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। तो हमने एरिया ADC निकाला है, अब एरिया ABC निकालेंगे। सो लेट अस फाइंड आउट एरिया ABC। नाउ अब देखें कि एरिया ABC इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3, 1 2 3, 2 3 1, और 3 1 2, ऐसा। सो हाफ 1 1 क्या है माइनस 3, 1 2 3, तो माइनस 2 माइनस माइनस 2, प्लस x2 लो माइनस 4, और 3 माइनस 1, तो 3 का y का क्या वैल्यू है, अंदर अंदर y रहेगा, माइनस 2 माइनस 1 ये चीज है, तो y1 की वैल्यू क्या है माइनस 5, और x3 क्या है 3, और 1 माइनस 2, तो y1 क्या है, y1 है माइनस 5 और माइनस 2, सो माइनस 2 ये चीज कर ली। अंदर माइनस 2 प्लस 2 है, वो 0 हो जाएगा, यानी माइनस 3 इंटू 0। यहाँ देखिए माइनस 4, लेकिन अंदर क्या है माइनस 2 प्लस 5, सो माइनस 2 प्लस 5 लिख लो, और यहाँ क्या है प्लस 3, माइनस 5 प्लस 2, सो हाफ ये तो 0 हो गया। अब अंदर 3 बचा, तो 3 का आप माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 12 आ जाएगा। अच्छा अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ बचा माइनस 3, तो माइनस 3 का आप 3 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 3 का 3 से करोगे तो क्या आएगा माइनस 9, क्योंकि 3 3 जा 9, और निगेटिव साइन आ जाएगा, तो दिस कम्स एज 12 प्लस 9, जो कि 21 होता है, तो माइनस 21/2, टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली। सो एरिया ABC इज इक्वल्स टू 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ लिख लीजिए कि टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली।
as area is never negative, क्योंकि वो area negative नहीं होता, इसने magnitude ले लिया। अब हमारा area A B C D क्या होगा? Area A B C D is equals to जो भी area होगा वो इन दोनों का sum होगा। किसका किसका सम होगा? इसका और इसका। तो इसलिए एरिया ए डी सी प्लस एरिया ए बी सी, तो इन दोनों का अगर हम ले लेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा आंसर। नाउ ये देखिए 21/2 को और सॉल्व कर लो, इसको 10.5 कर लो, क्योंकि पहले वाले में भी हमने जो भी किया है तो 17.5 किया है, तो 0.5 के हिसाब में रहेगा। तो पहले वाले का एरिया 17.5 है और इसका है 10.5, दोनों को ऐड करो तो 17 + 10 = 27 और 0.5 दैट इज 28 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज 28 स्क्वायर यूनिट्स, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दीजिए। एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल, गिवन क्वाड्रिलेटरल इज 28 स्क्वायर यूनिट्स। अब नेक्स्ट देखो कि फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यू हैव स्टडीड दैट मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, वेरीफाई दिस रिजल्ट। तो इसको रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि ट्रायंगल भले ही कैसा ही क्यों ना हो, ऐसा ही क्यों ना हो इस तरीके से, लेकिन अगर इसके मिड पॉइंट पर इसको मिला दिया जाए, जो मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो दो ट्रायंगल बनेंगे उनका एरिया इक्वल होगा। मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू एरिया टू इक्वल एरिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या होगा, ये हमने मीडियन डिवाइड कर लिया, दैट मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, दैट वी हैव टू वेरीफाई इट। सो पहले इसे वेरीफाई करें कि ए बी सी कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 4-6 एंड 3-2 एंड नेक्स्ट इज 5-2, ये सारी चीजें दी गई हैं और ये डी है, तो डी मिड पॉइंट हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ डी। आपको वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई करना है कि ये एरिया इसके इक्वल है, यही कह रहा है। कह रहा है नाइन्थ में आपने पढ़ा था कि मीडियन इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, अब उसे वेरीफाई करो कि इसका एरिया इसके इक्वल है, तो मैं वही वेरीफाई करूंगा, लेकिन उसके लिए डी का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो निकाल ले रहा हूँ। सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज इक्वल्स टू x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, जो कि मिड पॉइंट फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला, इसको लगा लें। सो 3 + 5/2 और साथ में -2 + 2/2, सो दिस गिव्स अस 8/2 जो कि 4 होगा और 0/2 जो कि 0 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 4-0। अब जब इसका कोऑर्डिनेट 4-0 हो गया है, सो एरिया ए बी डी क्या है? इट इज इक्वल्स टू 1 2 3 + 2 3 1 + 3 1 2, तो ये हमने यहाँ पर एरिया का फार्मूला लगा दिया। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे। नाउ हाफ, इसमें आप कुछ मान लें तो इसे
टू और थ्री मान लें, क्योंकि ये दोनों में काम आएगा, उधर भी उधर भी, वन इसे मान लें और अगला जब निकालेंगे तो वन इसे मान लेंगे, तो टू थ्री वही रहेगा, वन और वन हो जाएंगे। अब देखो नाउ वन वन किसे माना, इसे टू थ्री, तो टू है माइनस सिक्स और थ्री क्या है, वाई वाई लेना जीरो। अब एक्स टू, टू में फोर लो और थ्री वन, तो थ्री में है जीरो और वन में क्या है माइनस टू। फिर एक्स थ्री, फोर वन टू, वन में है माइनस टू और टू में है माइनस सिक्स। इस तरीके से हमने लिख लिया हाफ थ्री इंटू माइनस सिक्स, तो माइनस एटीन, फोर इंटू प्लस टू तो एट। यहाँ देखो फोर और अंदर क्या आएगा, माइनस टू प्लस सिक्स, तो माइनस टू प्लस सिक्स लिख दीजिए। हाफ माइनस एटीन प्लस एट कितना होता है, माइनस टेन, माइनस टेन हो गया। और यहाँ देखो फोर आएगा तो फोर फोर जा सिक्सटीन, तो सिक्स बाई टू बचेगा जो कि थ्री स्क्वायर यूनिट्स होगा, तो ये थ्री स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया ए डी सी। नाउ एरिया ए डी सी देखिए, सो एरिया ए डी सी, ए डी सी इट इज इक्वल्स टू हाफ वन टू थ्री प्लस टू थ्री वन प्लस थ्री वन टू, ये लिख लें। इसके बाद वैल्यू डाल दें हाफ वन, वन किसे माना इसको, तो फाइव, और टू थ्री, टू किसे माना है इसे, तो माइनस सिक्स, टू से मान लिया और माइनस जीरो क्योंकि थ्री ये है। फिर एक्स टू, तो एक्स टू क्या है फोर, फोर सो थ्री माइनस वन, थ्री थ्री जीरो है और माइनस वन टू। फिर एक्स थ्री, एक्स थ्री कितना है, एक्स थ्री है फोर, वन माइनस टू, वन क्या है टू और माइनस टू यानी माइनस सिक्स, ऐसे ले लीजिए। तो हाफ फाइव सिक्स या थर्टी, तो माइनस थर्टी, फोर टू या एट तो माइनस एट, और यहाँ पर टू प्लस सिक्स कितना हुआ, टू प्लस सिक्स होता है एट और एट फोर जा थर्टी टू, तो थर्टी टू प्लस का आएगा, थर्टी टू है तो इट इज, अब यहाँ माइनस थर्टी एट है हाफ, अंदर में माइनस थर्टी एट प्लस थर्टी टू, तो इट इज माइनस सिक्स बाई टू, इट इज इक्वल्स टू माइनस थ्री। बट एरिया इज नेवर निगेटिव, लेकिन एरिया तो निगेटिव हो नहीं सकता, सो आप ऐसा लिख लें कि एरिया ए बी सी, एरिया ए डी सी इट इज इक्वल्स टू थ्री स्क्वायर यूनिट्स। ऐसा क्यों, टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, उसका परिमाण लेने पर, मैग्नीट्यूड ओनली, बिकॉज एरिया इज नेवर निगेटिव, एज एरिया इज नेवर निगेटिव, तो हमने ये ले लिया। सो फ्रॉम अबव इट कैन बी कंक्लूडेड, फ्रॉम अबव जो एरिया ए बी सी आया है वही एरिया ए डी सी आया है, तो जो एरिया ए बी डी आया है, ए बी डी का जो एरिया है वही ए डी सी आया है, ये हमने देख लिया। कैसे, ये भी थ्री स्क्वायर यूनिट्स है, और थोड़ा और पीछे चलो इसमें तो आप ये देखोगे ये भी थ्री स्क्वायर यूनिट्स है,
तो और पीछे चलिए तो एरिया ए बी डी जो है वही एरिया ए डी सी है, आ गया। तो इससे क्या आप कंक्लूड करते हो? इससे कंक्लूड करते हो कि मीडियन डिवाइड्स एनी ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरिया, कोई भी मीडियन हो। मीडियन डिवाइड्स एनी ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरिया, ये चीज हो गई। अब देखें कि एक्सरसाइज 7.4, दिस इज द ऑप्शनल एक्सरसाइज, सो लेट अस मूव टू ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.4। डिटरमाइन द रेशो, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन टू एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए जो कि 2 और माइनस 2 है एंड बी जो कि 3 और 7 है। तो कह रहा है कि ये लाइन इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये देखो ए और बी लो, ए क्या है 2 और माइनस 2 है, बी क्या है 3 और 7 है। हमने नाइन्थ में लाइन दी रहती थी तो ग्राफ बनाया था, तो ये लाइन है। ऐसे हमने बहुत सारे लीनियर ग्राफ बनाए हैं, एक्स को रख के वाई निकाला फिर ग्राफ बना दिया, टू पॉइंट्स निकाल के लाइन बना लेते थे। तो ऐसी ही एक लीनियर इक्वेशन है जिसकी इक्वेशन क्या है, दैट इज 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये दी। तो ये एक लाइन है, कह रहा है कि ये इसको किस रेशो में डिवाइड करती है, तो लेट अस फाइंड इट आउट कि इसको किस रेशो में डिवाइड करती है। नाउ आप देखें कि हम इस पॉइंट को कुछ मान सकते हैं, ये पॉइंट क्या हो सकता है, सो लेट दिस पॉइंट इज, आप इसे कुछ भी मान लें, तो जो भी पॉइंट आप मानेंगे, हमें तो रेशो चाहिए, तो इसको आप, नाउ लेट इट डिवाइड्स, लेट दिस इज द पॉइंट पी विच डिवाइड्स अ लाइन इनटू एम इज टू एन रेशो, लेट द पॉइंट इज पी ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, लेट पॉइंट पी विच लाइज ऑन लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इस पर लाई भी करता है, इसी पर है ये पॉइंट पी, इसी लाइन पर, एंड डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इंटू एम इज टू एन रेशो। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, इसको सेक्शन फार्मूले से निकाला जा सकता है, तो एम से इसको मल्टीप्लाई करो और एन से इसको करो, सो 3m प्लस 2n अपॉन m प्लस n, और इसी तरीके से अब y वाले के साथ करो तो 7m प्लस एन इंटू माइनस टू अपॉन एम प्लस एन। यहाँ हमने गड़बड़ी कर दी, सेक्शन फार्मूला नहीं लिखा, तो आप यहाँ लिख दें यूजिंग सेक्शन फार्मूला, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो भी है कोऑर्डिनेट
नेट ऑफ पॉइंट लिख लें इज इक्वल्स टू एम एक्स टू, उसको तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि उस पर मार्क्स हैं, एम प्लस एन और एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, नहीं तो इसमें मार्क्स चले जाएंगे, ये फार्मूला है, तो वो लिखने के बाद ही हमें करना है। तो अब हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको, तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला यूज़ कर लिया। ये हमारा कोऑर्डिनेट है पी का, तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इस पर भी है तो ये एक्स और ये वाई, ये तो इस लाइन पे भी है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। दिस कोऑर्डिनेट यह जो पॉइंट है ऑफ पी ऑल्सो सेटिस्फाई लाइन, क्योंकि उस पर भी पड़ रहा है, एज ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, एज ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन, ऐसा नाइन्थ में हमने देखा था कि जो भी उस लाइन पे पॉइंट पड़ेगा वो सब उसको सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ लाइन, सो पुट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इन लाइन, सो पुटिंग दिस वैल्यू इन लाइन, सो पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इन लाइन, तो लाइन में अभी से रख दें। लाइन क्या है, 2x plus y minus 4 is equals to 0, 2x plus y minus 4 is equals to 0, उसमें यही सब रख दें, x की जगह ये रख दें, y की जगह ये, सो 2 3m plus 2n upon m plus n और plus y ये लिख लो 7m minus 2n upon m plus n और माइनस फोर, तो माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फोर को उधर ले जाएं, ये कर सकते हैं, और एम और एन को कॉमन ले लें, ये एलसीएम, यदि एम एन एलसीएम लिया तो ऊपर क्या बचेगा, थ्री एम प्लस टू एन, और यहाँ क्या बचेगा, ये दैट इज इक्वल टू फोर, तो सिक्स एम प्लस 4n, 6m प्लस 4n प्लस 7m माइनस 2n इज इक्वल टू 4m प्लस n, 6m में 7m ऐड करिए, 13m प्लस 2n इज इक्वल टू 4m प्लस 4n, 13m में से 4m सब्ट्रैक्ट कर दो और उधर 4n में से 2n सब्ट्रैक्ट कर दो, सो अब यहाँ से करेंगे तो 9m बचेगा और वहाँ कितना बचेगा 2n, तो m बाई n क्या होगा, इट इज 2 बाई 9, तो यही आंसर हो गया। देखो बहुत आसान है, उसका कोऑर्डिनेट निकाल लो, लाइन में डाल दो, m बाई n निकाल लो, तो इसी तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि इसको किस रेशो में डिवाइड करती है। नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट इफ द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द रिलेशन, ऐसा कहा गया है, सो फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, कोलिनियरिटी की कंडीशन लगा दो और थ्री पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कौन कौन से पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक्स वाई 1 2 और 7 0, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी लगा दीजिए, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये तो मैंने लगा दिया और इसको जीरो लिख दीजिए, और हाफ है, हाफ है तो हाफ लिख दीजिए, बाद में जीरो कर देंगे उसको, वहां ले जाएंगे,
और इसके बाद ये सारी वैल्यू डाल दीजिए। x1 क्या है, x 2 माइनस 3 तो 2 माइनस 0, x2 क्या है 1 3 माइनस 1 तो 0 माइनस y, x3 क्या है 7 1 माइनस 2 तो y माइनस 2, ये सारी वैल्यू डाल दी आपने। और यहाँ लिख लीजिए 0 लिखा है, सो कंडीशन ऑफ को लीनियरिटी कि को लीनियर पॉइंट्स का एरिया 0 होता है, 2 को उधर ले जाओ तो 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस y प्लस 7y माइनस 14। तो अब इसमें 2x प्लस 6y आ गया और माइनस 14 को उधर ले लो तो 14 हो गया, 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 7 इज इक्वल्स टू x प्लस 3y, या ये भी कहा जा सकता है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 इज द डिजायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y, इज द डिजायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई कह दे कि मेरा एक पॉइंट चेक कर दो कि क्या वो इसके साथ कोलिनियर है, तो अगर वो आपको दे दे कि मेरे पास एक 4-1 है जरा चेक कर दो कि क्या वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो आप चेक कर देना, लेट 4-1 इज ए पॉइंट, चेक वेदर इट इज कोलिनियर विद अदर टू पॉइंट्स। ये आपको समझाने के लिए, आंसर तो यही खत्म हो गया है, विद अदर टू पॉइंट्स, तो उसके लिए पूरा करने की जरूरत नहीं है, इसी में रख के देख लेना और पता कर लेना कि क्या उसका पॉइंट उसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो 4 रखिए और 3 × 1 रख दीजिए, और 4 और 1 रख दीजिए और 7, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है यस 4-1 लाइज ऑन लाइन ऑफ द अदर टू पॉइंट्स, सो 4-1 इज कोलिनियर विद अदर टू पॉइंट्स, सो 4-1 इज कोलिनियर। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे और भी कुछ आ सकते हैं, 1-2 भी आ सकता है, 1-2 डालोगे तो भी तो 7 आ जाएगा विद अदर टू पॉइंट्स। आप इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स मन में ही सोच सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस दिस एंड दिस। तो एक सर्कल है और आपको जो कि 6-6 से पास कर रहा है, 6-6 से, और 3-7 से पास कर रहा है, और साथ में 3-3 से भी पास कर रहा है, तो कह रहा है कि O के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। तो O का जो इससे डिस्टेंस है, जो O का इससे डिस्टेंस है और जो का इससे डिस्टेंस है, वो सारा सेम होगा। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, ये बात कही गई है और उसके पेरिफेरियल पॉइंट्स जो है वो दिए गए हैं। तो अब हम इनको ए बी सी ले लें, ए बी सी, और ऐसे केस में आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। सो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ओ ए निकालो, ओ के कुछ कोऑर्डिनेट मानने पड़ेंगे आपको एक्स वाई, तो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, लेट ओ इज एक्स वाई, ऐसे ले लो, ये लेट कर लिया। तो ये चीजें, अब हमने इसको एक्स वाई ले लिया, तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुए 6-x² और प्लस, देखो 6 माइनस भी कर सकते हैं, अब चूंकि यहां सब में निगेटिव है
तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो एक्स माइनस सिक्स स्क्वायर, जिससे निगेटिव साइन पहले ना आए तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो माइनस सिक्स माइनस वाई है तो माइनस कॉमन लेके हटाना पड़ेगा। तो आप एक्स माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस सिक्स स्क्वायर और इसका रूट इट इज इक्वल्स टू, फिर ओ बी भी लो तो एक्स माइनस थ्री स्क्वायर और प्लस वाई माइनस माइनस सेवन स्क्वायर, ये ले लिया स्क्वायरिंग। अब इसमें आपको कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला उसके मार्क्स हैं, तो बार बार ना लिख के एक बार लिख दीजिए, उसी में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। d इज इक्वल टू रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर, वेयर सिंबल्स आर एज पर कन्वेंशंस। तो जो भी सिंबल्स आर एज यूजुअल हैं, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये x माइनस सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये y प्लस सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये x माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा और ये y प्लस सेवन का स्क्वायर हो जाएगा। सो x स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स माइनस ट्वेल्व प्लस वाई स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेल्व वाई, ये, और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस नाइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर्टी नाइन प्लस फोर्टीन वाई, ऐसे कर लें। जहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा और वाई स्क्वायर से कट जाएगा, डिजिट डिजिट जोड़ लो, 36 प्लस 36 कितना होता है 72, तो 72 माइनस 12x प्लस 12y और राइट हैंड साइड में भी डिजिट डिजिट जोड़ लो तो 58, तो 58 माइनस 6x प्लस 14y। तो नंबर एक तरफ ले लो 72 माइनस 58 इज इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 12x और प्लस 14y माइनस 12y, तो प्रिफरेबली x उधर लो जहाँ वो पॉजिटिव बनता हो, तो मैंने उधर ले लिया x और y उधर लो, तो ये 6x हो गया और प्लस 2y और ये 14 आ गया, तो ये 14 आ गया लेकिन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ऐसे ही हम इसकी सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे और उन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो x और y आ जाएगा। तो जैसे मैंने ओ ए इज इक्वल टू ओ बी किया है, आप उसी तरीके से ओ ए इज इक्वल टू ओ सी भी कर सकते हो या ओ बी इज इक्वल टू ओ सी किसी के साथ भी कर सकते हो। तो आप देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी कर लो या ओ बी इज इक्वल टू ओ सी भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो अब हम इसी सर्कल को फिर से बना लेते हैं, ये O है, दैट इज 6 माइनस 6 एंड दिस इज 3 3 जो कि एक्स वाई है, तो ओ ए इज इक्वल टू ये दोनों इक्वल हुए, इसको इक्वल लिखा दो, अब देखिए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला करते हुए x माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस सिक्स स्क्वायर, इसका रूट इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस एक्स से ही तो डिस्टेंस लोगे, एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू लग दी स्क्वायरिंग। और एक यहाँ पे भी लिख दो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ऊपर तो लिख ही दिया डिस्टेंस फार्मूला, सिर्फ यहां लिख दें डिस्टेंस फार्मूला। तो और यहां स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सिक्स स्क्वायर,
और राइट हैंड साइड में ये चीज हो जाएगी। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y और राइट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ऐसा करने से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं और अपोजिट तरफ हैं। 36 72 हो गया, माइनस 12x माइनस 12y ये चीज आ गई। नाउ प्लस 12y क्योंकि यहाँ प्लस है। और इधर देखो इट इज इक्वल्स टू, ये 9 है और 9 है तो 18 हो गया, तो माइनस 6x माइनस 6y तो ये 6y हो गया। तो माइनस 6x माइनस 6y तो 72 एक तरफ ले लें, 18 एक तरफ ले लें और माइनस 6x प्लस 12x माइनस 6y माइनस 12y। तो ऐसा करने पर ये 6x हो जाएगा और ये 18y हो जाएगा, जबकि ये 54 आ जाएगा। ये सब 6 से कट जाएगा, 6 9 या 54 और 3y। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन है, तो इसी तरह से बन गई। ये सेकंड इक्वेशन है, इसी के नीचे फर्स्ट वाली लिख लो, 3x प्लस यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, 2 से डिवाइड किया, 2 ना लिखिए, 3x प्लस वाई 2 से डिवाइड किया है ना, तो 3x प्लस वाई पूरे में कर लिया, तो 3x प्लस वाई यहाँ लिख लें। बट 3x प्लस वाई लिखने प्लस वाई लिखने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा तो ही ठीक है। यहाँ 3x है और यहाँ x है, तो एलिमिनेट कैसे करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करोगे तो 27 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9y। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, अब यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिख लें, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो इसके साथ अब इसे कंप्यूट करें और सिंप्लीफाई करें। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो यहाँ 20 बचता है और यहाँ पर कितना बच जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस 10y। तो y कितना आ जाएगा, 20y माइनस 10 जो कि माइनस 2 होगा। तो हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई है जो कि माइनस 2 है, और अब x की भी चाहिए, किसी एक में डाल दो x की वैल्यू आ जाएगा, इसी में डाल दो सेकंड इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 9 इज इक्वल्स टू x माइनस 3y, सो 9 इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू माइनस 2, सो 9 इज इक्वल टू x प्लस 6, सो x इज इक्वल टू 3, x 3 आ गया। तो x अगर 3 आ गया सो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 माइनस 2, क्योंकि एक्स वाई है ये चीजें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 4 फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर एंड फाइंड द वर्टिसेस ऑफ अदर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर। देखिए ऐसा कुछ दिया गया है कि एक स्क्वायर है जिसकी दो वर्टिसेस दी गई हैं और दो पूछी गई हैं, दो अपोजिट वर्टिसेस दी गई हैं -1 और 2 और 3 और 2 ये दी गई हैं, और ये पूछा जा रहा है कि इसकी अपोजिट वर्टिसेस क्या होंगी। तो अब हम इसकी अपोजिट वर्टिसेस निकाल लें। एक को आप लिख लें
एक्स वाई लिख लें। नाउ हमने इसको एक्स वाई लिख लिया है, आप इसे ए बी सी और डी लिख लें। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इसी से दो वैल्यू आएगी, तो दो वैल्यू से दो अपोजिट वर्टिसेस आ जाएगी। सो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर वर्टिसेस विच इज, जो कि इसके साथ क्या हो, इक्वी डिस्टेंस पर हो, इज सी। सो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ अदर वर्टिसेस इज सी, एक्स वाई ले लिया, तो जो डी सी है वो बी सी होगा क्योंकि ये चीजें इक्वल होंगी, तो डी सी इज इक्वल्स टू बी सी लिख दीजिए। डी सी इज इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि जो स्क्वायर्स होते हैं उनकी तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये इसके इक्वल कर दिया। और यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो आप ऐसा करें डी सी तो एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस माइनस वन, तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, और वाई माइनस टू तो वाई माइनस टू स्क्वायर, और इन्हीं पर रूट ले लें। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला लिख लें। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तो डी इज इक्वल्स टू रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर, ये लिख लें। अब देखिए स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर इज एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर, ये चीज हो गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई, ये चीज कर दी। तो इसको स्क्वायरिंग कर दिया और फिर खोल दिया, इससे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, और वाई स्क्वायर का ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो गया ये, क्योंकि पूरा ही हट सकता था, चलो हटा दो अब हटा दो, तो ये हटा ही दिया क्योंकि सेम साइन के हैं, तो ये पूरा यहीं से कैंसिल हो जाता। अब ये देखो 9 माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टू वाई 1 प्लस टू एक्स, सो 6 एक्स को उधर ले जाओ तो 2 एक्स प्लस सिक्स एक्स इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, तो 8 एक्स इज इक्वल्स टू 8, तो x इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब जबकि हमारे पास x की वैल्यू 1 हो गई है, तो एक्स वाई इज 1y। नाउ अदर वर्टिसेस क्या हो गई, एक्स वाई था और x की जगह 1 आ गया, x कितना आ गया 1, तो हम इसे 1y लिख देंगे 1y। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस भी हो और परपेंडिकुलर भी हो, ऐसा दोनों ही केस में है, तो इसलिए सी इज ए जनरल पॉइंट, जो बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का एक सी जनरल पॉइंट है जो 90 डिग्री पर होता है। तो आप समझ लो बी सी है ये बी डी, तो बी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस पर मुझे ऐसे टू पॉइंट्स पता करने हैं जो इक्वी डिस्टेंस भी हो। वैसे तो इसका हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर पॉइंट इससे इक्वी डिस्टेंस होगा, लेकिन ऐसे खास पॉइंट चाहिए जो 90 डिग्री पर हो। ऐसे खास पॉइंट सिर्फ दो ही होंगे जो कि पाइथागोरस थ्योरम से अवॉइडेड होंगे, तो मुझे वही दो पॉइंट चाहिए बस, ज्यादा नहीं। तो वो दो पॉइंट अब आ जाएंगे जब मैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। सो अदर वर्टिसेस 1 ये हो गया, सो डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। नाउ डी सी स्क्वायर प्लस
पी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी डी स्क्वायर। ये बात तो पाइथागोरस थ्योरम से होती है, पाइथागोरस थ्योरम तो हाइपोटेनियस है बीडी, तो इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम से कर दी है। अब जरा देखें कि इसी को लगाने पर जो हमने पाइथागोरस थ्योरम की है उसी को अप्लाई कर दें आप, तो जो फिगर है उसी के पॉइंट्स ले लें। अभी तक जो हमारा एक्स वाई है वो वन वाई बन चुका है, क्योंकि एक्स वाई ही वन वाई है, तो उसी पर आप लगाएं। नाउ डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। जरा चेक करें, डी सी स्क्वायर थ्री माइनस वन स्क्वायर और टू माइनस वाई स्क्वायर, ये तो हुआ डी सी स्क्वायर, ये पूरा कितना हुआ डी सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर की बात करो तो वन माइनस माइनस वन, इससे ये माइनस करो तो वन माइनस माइनस वन, तो क्या बन जाएगा वन प्लस वन स्क्वायर, और वाई माइनस टू स्क्वायर तो क्या बनेगा, ये चीज हो गई बी सी स्क्वायर। स्क्वायर कर लिया इसलिए स्क्वायर रूट नहीं लगा रहे हैं। अब देखो बी डी स्क्वायर, सो थ्री माइनस माइनस वन तो थ्री प्लस वन स्क्वायर, और टू माइनस टू स्क्वायर तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, तो इसलिए ये हो गया, ये सारी वैल्यू डाल दिए। तो इसको लिखिए टू स्क्वायर प्लस टू माइनस वाई स्क्वायर, सो टू माइनस वाई स्क्वायर। नाउ टू स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू फोर स्क्वायर, ये चीज हो गई। तो फोर प्लस फोर कितना होता है एट, तो ये तो हमने इन दोनों को ले लो, फोर प्लस फोर एट हुआ, और टू माइनस वाई स्क्वायर इसको खोल दो तो फोर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई, इसको भी खोल दो तो वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई इट इज इक्वल्स टू सिक्सटीन। सिक्सटीन में से ये जो भी चीजें हैं ये सब हट जाएंगी, 8 प्लस 8 इधर भी 16 है उधर भी 16, ये सब कट जाएगा क्योंकि 16 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल्स टू 16, तो 16 16 कट गया और 2y स्क्वायर माइनस 8y है, तो इसलिए 2y कॉमन ले लो तो y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 हो गया। तो या तो 2 को भी उधर ले जाओ, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाई 2, तो y इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो या तो y 0 है या y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो या तो y 0 है या y इज इक्वल टू 4। तो जो हमारा दो पॉइंट था b और d उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मुझे ऐसे दो पॉइंट चाहिए थे कि जो इससे इक्वी डिस्टेंस भी हों और 90 डिग्री भी बनाते हों, तो मुझे वो दो पॉइंट मिल गए क्योंकि ऐसे पॉइंट दोनों तरफ होंगे जो 90 डिग्री भी बनाएं और इक्वी डिस्टेंस भी हों, तो मुझे एक तो मिल गया 10 और एक मिल गया 14, दो ही पॉइंट होते हैं क्योंकि हमने 90 डिग्री की कंडीशन भी लगा दी ना, सो इसलिए द टू वर्ट अदर टू वर्टिसेस आर, सो अदर टू वर्टिसेस आर, एक्स तो वन ही था और वाई जीरो और फोर आया, तो एक में जीरो डाल दो और एक में फोर डाल दो, तो अदर टू वर्टिसेस ये आ गई। अब देखिए नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, द क्लास टेंथ स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन कृषि नगर हैज बीन अलॉटेड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। स्टूडेंट को एक प्लॉट अलॉट कर दिया गया, कृषि नगर जो के बच्चे थे उनको एक प्लॉट अलॉट कर दिया गया है, ये तो यहाँ पर ये बात दिखाया गया है, ऑफ लैंड ऑफ देयर गार्डनिंग एक्टिविटी सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर,
तो एक एक मीटर पर हमने फ्रॉम ईच अदर, देयर इज ए ट्रेंगुलर ग्रासी लॉन, वो दिया गया है, द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द, तो सैपलिंग लगा दिए गए यहाँ पे एक एक मीटर डिस्टेंस पर, इन्होंने क्या कर दिया है, छोटे छोटे सैपलिंग्स यानी प्लांटलेट्स लगा दिए हैं गुलमोहर के बाउंड्री पे लगाया है, और ट्रेंगुलर ग्रासी लैंड बीच में दिखाई जा रही है, ये ट्रेंगुलर ग्रासी लैंड है, दिस इज नाउ, अब इस ट्रेंगुलर ग्रासी लैंड को दिखाया गया, द स्टूडेंट आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑन रिमेनिंग एरिया, बचे हुए एरिया पर अब उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने हैं, बीच में घास का मैदान है, टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, इसकी वर्टिसेस का पता करो, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर इफ सी इज द ओरिजिन, यदि सी को ओरिजिन बना दिया जाए यानी इधर वाला पॉइंट ये ओरिजिन हो तो फिर हमें कैसे करना पड़ेगा वो भी हमें देखना है, ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दीज केसेस, यदि हम अपना ओरिजिन बदल दें तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बदल जाएगा, इस चीज का भी पता लगाना है। नाउ तो कुछ चीजें आपसे इसमें पूछी गई हैं, पहली बात यहां पर प्लांट्स लगाए गए हैं एक्टिविटी के लिए और कुछ प्लांट्स इसमें दिए गए हैं गुल मोहर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो आप देखिए इस तरीके की फील्ड है पी क्यू आर, इस पे ग्रासी लैंड है, इस पे ग्रास उगाई गई है, सो पी क्यू आर, तो ये क्यू जो है ये 3-2 पर है, सो क्यू विल बी एट 3-2, ये 3-2 है, यानी यहाँ तक जो भी है ये 1, 2 और 3, ये 3 है और ये 1 और 2, तो 3-2 पर है, इसी तरीके से जो R है वो 7 पर है और 1, 2, 3, 4, 5, तो यानी वो 6 पर है, ये 6 पे है, 4, 4, 5 ये 6 पर है, और इधर की ओर देखा जाए तो 5 पर है, 3, 4, 5, तो ये 6, 5 हो गया, और P के बारे में क्या कहा जा रहा है, P 4 पर है, तो अब वो उसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, 4 पर है P, सो P को भी मैं बुक के हिसाब से बनाऊं तो 4 पे बनाऊं, तो इट इज एट 4, 4 पर है और 6 पर है, तो 4 से ले जाओ और ये 6 है, यहां पे ले जाओ, ऐसी फील्ड है 4 और 6, तो ये ऐसे आ जाएगा, तो 4 और 6 ये P है, तो आप बुक के कोऑर्डिनेट देके बना सकते हैं, तो इस चीज का आपको पहले एरिया निकालना है, टेकिंग A एज ओरिजिन, ये A है तो A को ओरिजिन लेते हुए हमने देखा, सो टेकिंग A एज ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर, सो पी इज 4, 6, क्यू इज 3, 2 एंड आर इज 6, 5, ये हमने ले लिया। नाउ ये चीज ले ली, अब इसका एरिया निकालो, एरिया पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 प्लस 2, 3, 1 प्लस 3, 1, 2, तो 1, 2, ए को साइड में लिख लेते हैं, तो ये
एरिया का हमने फार्मूला लगा दिया, इसी पे सारी वैल्यू डालो, हाफ वन टू थ्री, टू थ्री वन तो फाइव माइनस सिक्स, और थ्री वन माइनस टू, वन माइनस टू, सो हाफ फोर इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस सिक्स इंटू फोर, सो इट इज हाफ माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री प्लस ट्वेंटी फोर, सो माइनस फिफ्टीन है, माइनस फिफ्टीन है और ये ट्वेंटी फोर है तो नाइन बच जाएगा, सो इट इज नाइन बाई टू। तो ये चीज आ गई नाइन बाई टू स्क्वायर यूनिट्स। ये तो हमने पी क्यू आर से निकाल लिया ये कोई ओरिजिन लेते हुए। नाउ सेकेंड पार्ट में कहा गया है अगर ओरिजिन को सी शिफ्ट कर दिया जाए तो अभी आपका ये जो कार्टेशियन प्लेन है वो कुछ इस तरीके का है और इसमें टोटल इधर एट पार्ट्स किए गए हैं, इधर 16 पार्ट्स किए गए हैं। 16 पार्ट्स करने के लिए आप मिड पॉइंट ले लें, मिड पॉइंट का मिड पॉइंट ले लें और इधर भी मिड पॉइंट का मिड पॉइंट ले लें और फिर इसका भी मिड पॉइंट ले लें, इसका भी मिड पॉइंट ले लें, इसका भी ले लें और इसका भी ले लें। अभी एट पार्ट्स हुए, अब फिर फर्दर इनके मिड पॉइंट्स लें तो ऐसा करने पर ये, तो अब आप देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो आप इधर से ना गिनती करें क्योंकि अब आपको 16 है, अब सी से करना है तो सी से वन टू लें क्योंकि अब सी ओरिजिन बन गया है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और ये 16 हो गया। तो ये सारे पार्ट्स आपने कर लिए। इसी तरीके से सी से इधर भी चलो तो मिड पॉइंट लो, मिड पॉइंट का मिड पॉइंट लो और मिड पॉइंट का मिड पॉइंट लो, ऐसा करने से इसके एट पार्ट्स हो गए हैं। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, जब आपने ए को लिया था तो ए को लेने पर आप कैसे काउंटिंग कर रहे थे, आपने मिड पॉइंट लिया था, मिड पॉइंट का मिड पॉइंट लिया और फिर उनके भी मिड पॉइंट लिए थे, फिर उन सब के भी मिड पॉइंट लिए थे, ऐसा करने से एक एक मीटर की डिस्टेंस पर ये सब सैपलिंग्स लग गए थे। तो तब आपने यहाँ से काउंटिंग की थी फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और 16, और इसी तरीके से इसका मिड पॉइंट लिया था, फिर उसका भी मिड पॉइंट लिया था और फिर उसके भी मिड पॉइंट लिए थे। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अब आपने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया है। तो जब आपने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया है तो अब देखें कि अब इसके क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। जो पॉइंट पहले फोर सिक्स पर हुआ करता था, ये फोर सिक्स है, फोर और सिक्स, यानी ये वो पॉइंट पी था जो फोर सिक्स पर था, ये पी था। अच्छा क्यू कहाँ था, थ्री टू पर था, तो ये थ्री टू है, थ्री टू पर क्यू है, और साथ में सिक्स फाइव पर, सिक्स और फाइव, तो सिक्स और फाइव ले लें ये, तो इस पर आर था। तो दिस इज पी क्यू आर, आर जो था वो सिक्स फाइव पर था, सब कुछ वैसे ही है लेकिन अब इनके कोऑर्डिनेट वहाँ नहीं होंगे जो पहले फोर सिक्स पर हुआ करते थे, बिल्कुल पहले वाले की तरह। जैसे थ्री टू है तो मैंने थ्री टू पे बना लिया, जैसे सिक्स फाइव है तो सिक्स और फाइव पे बना लिया, तो इसी तरीके से बाकी पे भी बना लिया। तो अब आप देखिए कि सिक्स फाइव पर, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग इधर जाओ कि जो यहाँ का फिफ्थ पॉइंट है वो उधर कितना है, वन टू थ्री सिक्स फाइव है ना ये, तो ये जैसे हमने आर कहा सिक्स, तो इसमें थ्री पॉइंट, तो यहाँ पे कौन सा होगा थर्ड पॉइंट, तो ये थ्री होगा,
और यहाँ कौन सा होगा, ये चीज जो यहाँ सिक्स्थ है वो यहाँ टेंथ होगा, क्योंकि अब छह और चलोगे तो आ जाएगा, तो ये सिक्स्थ पॉइंट है, तो इसलिए टेन थ्री आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है उसमें 16 माइनस सिक्स करना, पलट दिया ना बात, तो 16 माइनस सिक्स करना, और इसी तरीके से जो वाई एक्सिस है वो उसमें से 8 माइनस फाइव करना। जो पॉइंट हमारे 6 5 थे तो पहले वाले में से 16 का माइनस और दूसरे में 8 का माइनस, अपने आप पॉइंट पकड़ में आ जाएंगे। 10 और 3 देखो आ गए कि नहीं, 10 और 3 10 3। ऐसे ही जो P पहले क्या था 4 6, तो पहले वाले में आप क्या करना 16 माइनस सिक्स करना, और जो 6 है उसमें से 8 माइनस सिक्स करना। तो क्योंकि आप इधर से ओरिजिन मान रहे हो तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 10 2। तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा 10 2, वरना निकाल भी सकते हो। तो अगर 16 माइनस 4 करना, 4 है ये, सॉरी 16 माइनस 4 है ये देखिए 16 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा 12 2। दिस विल बी 12 2, 12 and 2 आ गया। ये कितना था 3 2, तो 3 2 ना लिखना, 16 माइनस 3 और 8 माइनस 2, तो 16 माइनस 3 कितना होता है 13 और 8 माइनस 2 6। तो हमारे पॉइंट सब बदल गए, ओरिजिन बदलने से ओरिजिन कितना शिफ्ट हुआ, ओरिजिन आपका जो 16 पॉइंट्स इधर शिफ्ट हुआ है और 8 पॉइंट्स इधर शिफ्ट हुआ है, तो ओरिजिन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो इस वजह से उनसे आपको सबट्रैक्ट करके नए पॉइंट्स निकाल लेने चाहिए। तो नए पॉइंट्स अब आपके क्या हो गए, पी विल बी 12 2, आर क्यू विल बी 13 6 एंड आर विल बी 10 3। सो न्यू पॉइंट्स आर, अब न्यू पॉइंट्स लिख लें, सो न्यू पॉइंट्स आर, फिर उसके हिसाब से एरिया निकाल लें। आफ्टर शिफ्टिंग ओरिजिन टू सी, न्यू पॉइंट्स आर या न्यू कोऑर्डिनेट्स आर, पॉइंट्स ना लिख के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। सो पी 12 2, क्यू 13 6 एंड आर 10 3, ये आ गया। सो एरिया पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 2 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2। फार्मूले में ध्यान रखिए 3 1 2, ये चीज हो गई। अब देखें ये बात हो गई है, तो अब सारी वैल्यू डाल के इसका एरिया निकालो, और ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अगर कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं तो क्या एरिया बदलेगा कि नहीं। हमने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया है तो एरिया बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये हम देखेंगे। तो जरा देखें, कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, इसको 1 लिख लें, इसको 2 लिख लें और इसको 3 लिख लें। सो हाफ 1 2 3, सो 6 माइनस 3 2 दैट इज 13, 2 3 1 प्लस 3 यानी 10, 1 2, सो 2 माइनस 6, सो इट इज हाफ 12 into 3 प्लस 13 into 1 प्लस 10 into -4, ये कर दिया। सो दिस इज 36 प्लस 13 -40, सो हाफ 36 प्लस 13 कितना होता है 49,
और माइनस 40, सो इट इज 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमने दोनों ही केस में देख लिया कि इन बोथ द केसेस द एरिया ऑफ पी क्यू आर इज सेम। उसमें भी 9/2 स्क्वायर यूनिट्स था और इसमें भी 9/2 स्क्वायर यूनिट्स है, सो इसलिए इन बोथ द केसेस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज सेम। सो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन डज नॉट आल्टर द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन डज नॉट आल्टर द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरीके से एरिया सेम रह गया और कोई चेंज नहीं हुआ। तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स, ये भी पूछा गया कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो भी दे दिया, तो ये भी 1 मार्क्स का है। तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा कि उसे डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा और नया एरिया भी आप निकाल लीजिएगा। नाउ देयर इज ए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इट सेज दैट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ये बात कही गई है कि ए सिक्स्थ क्वेश्चन में अब देखें, ये कहा गया है कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो ए बी सी आप बना लें और उसकी वर्टिसेस भी बना लें। ए कितना दिया गया है 4, 6, बी 1, 5 एंड सी 7, 2, ये वर्टिसेस हैं। ए लाइन इज ड्रॉन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से लाइन ड्रॉ की जाती है जो डी और ई पर इन दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, और AD by AB is AE by AC। कह रहा है कि this by this is this by this, तो proportional है, ये given है कि AD by AB is equals to AE by AC is 1/4। तो this by this and this by this ये 1/4 है, यानी अगर ये 1:4 के रेशो में डिवाइड हो रहा है ए डी और बाई ए डी बाई ए बी, तो ए बी पूरा 4 है। अगर पूरा ये 4 है और ये 1 पार्ट है तो बचा हुआ 3 पार्ट इसका हुआ, क्योंकि कोई चीज का अगर ये 1/4 पार्ट है तो जो बचा हुआ पार्ट है वो 3/4 होगा ना। 1/4 आप खा लोगे किसी पिज्जा का, तो 3/4 बचेगा, 3 out of 4। तो पूरा ए बी 4 है और ए डी उसमें से 1 है। तो इसलिए अगर मान लीजिए ए डी 1 है तो ये ए डी है और ये पूरा ए बी 4 है, तो बचा हुआ ए सी बी डी कितना हुआ, वो 3 पार्ट हुआ। पूरे 4 में से 1/4 आपका है तो 3/4 बचे का है, तो 1/4 upon 3/4 इज 1/3। ये चीज होती है, तो 4 पार्ट हैं जिसमें से 3 ये है और 1 ये है। आप चाहें तो 4 पार्ट करके देख लेते हैं, 1, 2, 1, 2, 3, 4, तो 4 पार्ट में से ये है। इसी तरीके से ये भी 1 और 3 हुआ, तभी तो टोटल 4 पार्ट में से 1/4 हुआ। वरना आप क्या कर सकते हैं कि इसको इन्वर्स करके 1 सब्ट्रैक्ट करके भी ये पार्ट निकाल सकते हैं। तो चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं, वर्बली भी किया जा सकता है, जैसे मैं कर रहा हूँ कि ए बी बाई AD is equals to 4/1, so AB by AD minus 1 is 4/1 minus 1, so AB minus AD by AD is equals to 3। तो ये चीज हो गई, और यहाँ पर भी minus 1 किया तो 4 minus 1 तो 3 हो गया। अब ये देख लो, तो AB में से AD गया तो डी बी
अपॉन ए डी, इट इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा डी बी अपॉन ए डी। तो इसको हमने क्या किया, ए बी बाई ए डी को हमने लिख दिया 4/1 एंड दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो अब तो ये है 3/1, तो इसलिए ए डी बाई डी बी क्या हो गया, इट इज 1/3। तो आ गया कि नहीं भाई, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी 1/3, 1:3 का रेशो है। वैसे इधर भी किया जा सकता है, तो सिंपल है, इन्वर्ट करके -1 करो, फिर से इन्वर्ट कर दो, वैसे भी आ सकता है, नहीं तो ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे भी आ सकता है। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जबकि ये बात हमको पता चल चुकी है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए डी एंड कंपेयर विद दिस एरिया ए बी सी, तो हम कैलकुलेट करें इसका एरिया और ए बी सी के से करें। हमको मालूम है कि अगर सेम रेशो में डिवाइड करते हैं तो ये इसके पैरेलल होगा, और डबल ए सिमिलरिटी से ये छोटा ट्रायंगल बड़े के सिमिलर होगा। तो अगर इनकी साइड्स का रेशो 1:3 है तो इनके एरिया का रेशो 1² / 3² यानी 1/9 होना चाहिए। ऐसा हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आना चाहिए, क्योंकि अगर साइड प्रोपोर्शनली डिवाइड होती हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ऐसा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम से होगा। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय डबल ए सिमिलरिटी तो उनके एरिया उनके साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होंगे, तो वो 1² / 3² यानी 1:9 टाइम्स का रेशो होगा। ऐसा हमें पता करना है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पता करना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालो। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ डी, इट इज mx2 + nx1 / m + n और my2 + ny1 / m + n। तो एक बार 3 से इधर मल्टीप्लाई और एक बार 1 से इधर मल्टीप्लाई डी का करो। हाँ, सेक्शन फार्मूला लिख दो जिससे कि पूरे मार्क्स मिले। अब देखिए, तो दैट इज इक्वल्स टू 3 × 4, पहले एक्स एक्स वाले लो, 1 × 1/3 + 1, और साथ ही साथ यहां पर 3 से लो तो 3 × 6 और 1 × 5 और अपॉन 3 + 1, पैरेंथेसिस अवश्य लगाएं, सो दैट इज 12 + 1 13/4, और यहां पर क्या होगा, 6 × 3 = 18, 18 + 5 कितना होता है 23/4। तो हमको डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ ई निकालें। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, ये तो हमको मिल गए हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू mx2 + nx1 और my2 + ny1। यहां पे भी यही काम करो, तो यहां पर करने के लिए 3 से इसमें और 1 से इसमें, तो 3 से करो 3 × 4 = 12, सो दैट इज इक्वल्स टू 12, और 1 से करोगे तो क्या होगा, 1 से 7 में करो, 3 से 4 में किया, 1 से 7 में, 1 × 7 और 3 × 4, पहले पार्ट में पूरा लिखना चाहिए, जो वैल्यू का पुटिंग है वो पूरी ही होनी चाहिए, फिर पहले पार्ट में सॉल्व नहीं करना चाहिए कभी भी। और 3 × 6 = 18, तो 3 × 6 + 1 = 2, सो 1 × 2 / 3 + 1, पैरेंथेसिस लगा दें, इज इक्वल टू लगा दें, तो इट इज 12 + 7, तो 12 में 7 जोड़ो और यहां पर 18 में 2 जोड़िए, तो ये 19/4 होगा,
और ये 20/4 होगा, तो 20/4 5 हो जाएगा, और ये 19/4 रहेगा और ये 5 रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए हैं। इसको भी 20/4 ही रखो, क्योंकि फिर सब में 4 4 है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें मुश्किल नहीं होगी, नहीं तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। सेम डिनोमिनेटर रखिए, ये हो गया। तो ई और एफ के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, ई और एफ के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और फिर से फिगर बनाएंगे। तो इट इज 4 6, डी का कोऑर्डिनेट 13/2, 23/4 और 13/4। नाउ 13/4 एंड नेक्स्ट इज 19/4 और 20/4, ये हो गया। तो ये हो गया ए डी ई, डी इधर है तो डी इधर है, तो ये सारे आप कोऑर्डिनेट चेंज करने पड़ेंगे। उधर ई है तो इधर लिखो डी के कोऑर्डिनेट 13/4 और 23/4, और जबकि ई के कोऑर्डिनेट क्या है 19/4 और 20/4। इसको लिखिए डी, इसको लिखिए ई, ए डी आ गया। और बी सी के कोऑर्डिनेट भी लिख लो, दिस इज बी जो कि 15 है और सी जो कि 72 है। अब दो ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है और ये देखना है, इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इनका रेशो 1/9 आता है कि नहीं, जो हमारी एरिया थ्योरम है। सो इज इट वैलिड, सो लेट अस फाइंड आउट एरिया इन बोथ द केसेस। नाउ एरिया एडी, एरिया ए डी ई इज हाफ 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 2, इट इज इक्वल्स टू हाफ। इसे 2 और 3 मान लें और इसे भी 2 और 3 मान लें, इसे 1 मानते रहें, तो दोनों केसेस में 1 रहेगा, बड़े ट्रायंगल के केस में और इस ट्रायंगल के केस में भी ये 1 रहेगा। नाउ